fill. How you can make more than 60,000 per month with the help of digital marketing? कम से कम ये संख्या मैं बोलूँ तो बहुत ही कम है. अब जेनरल जिनको पता नहीं तो किला बोल सकते हैं. तो बातें कैसे हम कर सकते हैं कहा, जैसे मैं अगर आपकी इच्छा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक केस स्टडी के रूप में कि आपकी इच्छा है कि आप इंस्टाग्राम से ही आयुर्वेदिक की जो चीज़ें हैं उसकी कंसल्टेंसी देखिए, या जैसे कोई ऑथेंटिक या जेन्युइन प्रोडक्ट होगा क्या आप उसको इन्वेस्ट करने में बिलीव करती है कि प्रोडक्ट जो सही है लोगों के लिए अच्छा हो उसकी उसे करें. और तो मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम में अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाई, कैसे रोज के रोज पोस्ट डालते लोगों से कम्युनिटी बिल्ड करके आपने एक अपना रेपुटेशन बना लिया. मैं सिर्फ इंस्टाग्राम से बात कर रहा हूँ, बाकी ब्लॉगिंग वॉगिंग तो बहुत बड़ी बात होती है. तो वहाँ पर आपने एक रेपुटेशन बना लिया. तो अगर आप रोज इस चीज़ को करते रह रहे हैं तो आप मान के चल सकते हैं कि आपको 10-20,000 फॉलोअर पाने में कोई बड़ी बात नहीं. अब जैसे ही फॉलोअर बन जाएंगे फिर से वही बात है, ये कंपनी खुद आपको अप्रोच करेंगे, डीएम करेंगे, मैसेज करेंगे बस कि हमारे प्रोडक्ट है इसको आप प्रमोट कीजिए. एक प्रोडक्ट का आप उस सिनेरियो में मतलब मार्केट वैल्यू में बता रहा हूँ इंडिया के मार्केट जो चलिए सिनेरियो इंडिया में सबसे चीप पड़ा है इसलिए लोग और आ रहे हैं क्योंकि यहाँ के लिए 6,000-6,500 क्या एक अच्छी रेटिंग है उनके लिए जस्ट $100 ठीक है. फॉर देम इट इज जस्ट $100. तो अगर वो $250 भी दे रहे हैं $200 भी दे रहे हैं फॉर देम उतनी बड़ी बात नहीं है जितना हमारे लिए 12,000. तो अगर एक पोस्ट के लिए आप $200 भी चार्ज करती है, आपने मान लीजिए 12,000 भी चार्ज किया ठीक है, आपने महीने में से 5 एंडोर्समेंट कर दिए, वो जब 3-4 फोटो डाल दिए महीने में आपके 100-150 आ रहे उसमें 5 एंडोर्समेंट बन जाएंगे तो आपके कितने 60,000 बन गया. और ये हो रहा है मैं आपको बिलियन की कोई मुंगेरी लाइफ ऐसे सकते हैं. आप एक बार फॉलो बनाइए, एक बार मेल भेजिए, दे आर हैप्पी इसको देने के लिए. 1,00,000 फॉलोअर पे तो वो एक एक पोस्ट का 1,00,000 तक दे रहे हैं, 70,000 तक दे रहे हैं. एंटरटेनमेंट वाली जितनी भी ब्लॉग्स हैं, फूड वाली, हेल्थ की भी, इन सब में सबसे खराब इसमें सिनेरियो एजुकेशन का चल रहा है क्योंकि मैथ्स के लिए कौन आता है वो तो अदर चीज़ होगी. मैं इंस्टाग्राम पे ब्रांड प्रमोशन की बात कर रहा हूँ, कौन इंस्टाग्राम खोलता है मैथ्स पढ़ने के लिए? सबसे बड़ा पागल इंसान होगा मैथ्स पढ़ने के लिए इंस्टाग्राम. और वो बताएंगे इंस्टाग्राम इज अ प्लेस फॉर एंटरटेनमेंट. अब मैंने कई तरीके से मैक्सिमम पिक्चर्स जहां तक मुझे ख्याल है मैंने इतने सालों में देखा सिर्फ लोगों की पिक्चर्स ही डालते रहते हैं. वो हो गए आपके दोस्त भाई बंधु, आप किसी ब्रांड को फॉलो कीजिए वो एजुकेटेड. हां वो एजुकेटेड वो एजुकेशन कहां ज्यादा है वो कुछ नहीं. एजुकेशन का मतलब मैं बता दूं कि जैसे जैसे कोई मान लीजिए हर्बल उसका फोटो डाल दिया और उसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में जानकारी है क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यूटिलिटी क्या है, वो सब तो लोग मेरे ग्रुप के अंदर ही मैं देखती हूँ. मैंने ऐसे किसी को पोस्ट करने के लिए डाल नहीं रखा है, वो लोग मेरे ब्लॉग्स के नीचे अपना डाल देते हैं कि भाई कमेंट सेक्शन के अंदर कि दिस इज माय थोड़े मेरे बैटलिंग उन्हें आप उनका भला कर दे रहे हैं लेकिन आपको थोड़ा अपना भी पूरा करना चाहिए. तो उसको आप इंस्टाग्राम पे कीजिए. अब जैसे मैंने उस चीज़ के लिए क्या तोड़ निकाला हुआ है, सोच रहा हूँ मैथ्स के ऊपर एक मैं शो कर दूँ कि जिसमें लोग बहुत से लोगों को मैथ्स को लेकर बहुत भड़ा से क्या फुला भड़ा निकालो, मैं उसको रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम में डालता हूँ. अब लोग इंस्टाग्राम में मैथ्स पढ़ने के लिए नहीं कि हाँ मैथ्स को गालियाँ पढ़ी उसको